यस डिस्कस करते हैं जेई मेंस 12 अप्रैल शिफ्ट वन पेपर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, माइनस वन बाय फैक्टोरियल नहीं है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1/3, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1/3, -1/100, ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसका समेशन करना अप टू 99/100। इस तरह का एक क्वेश्चन आपने ऐसा किया हुआ अगर आपको ध्यान हो, 1/2 + 1/100, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, पर यहाँ पर एक तो माइनस है एक बात, दूसरी बात ये बाय 100 है और 3 के मल्टीपल के साथ दिया है। इसमें क्या ध्यान रखना है वो समझा देता हूँ। पहले सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो -0.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा -3, और कहाँ तक ये -1 मिलेगा तो समझिए, ये जैसे -1/3 है और अगर -2/3 होगा मान लीजिए ठीक, तो ये -3/3 एंड दिस इज -1, यहाँ पर आके -1 मिलेगा, उसके बाद नहीं। तो अब अगर 2/3 को हम समझे, ये 99/100 है, अगर मैं 66/99 लिखूं तो ये 2/100 होता, सॉरी 2/3 होता, तो इसका मतलब पर नीचे 100 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं -1/3 -1/3 -1/100 से लेके हम कहाँ तक गए, -1/3 -66/100। 99 नहीं लिखा, समझाने के लिए बताया कि जब ये ठीक 2/3 होगा और ये -1/2 होगा तो ये -1 मिलेगा, और उसके बाद आपको ही पता है -1.1 पे ये मिलने लगेगा -2, तो 66 तक, क्योंकि देखिए इसके बाद जब आप आगे बढ़ते -1/3 -67/100 तो देखिए अपने आप ही क्या हो जाता है, एलसीएम लेते तो 3 × 100 तो ये -100 मिलता, और ये 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करते तो 201, तो 301 आता, यानी ये 1 को क्रॉस कर जाता। तो इसका मतलब इसके बाद के जो टर्म होंगे, इसके बाद के कौन कौन से टर्म होंगे, -1/3 -67/100 से लेके -1/3 -99/100, यहाँ तक आपको कितना मिलता है, और याद रखिएगा केयरफुल रहिएगा, काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है, यानी -1/3 एक तरह से -0/100 है। तो ऐसे कितने, ये 66 तो ये माइनस मिलेंगे और एक माइनस ये, यानी -67 ये मिल गए। अब इसके बाद हर एक टर्म में ये 2-2 मिलेगा, और कितने टाइम मिलेगा, तो ये है 67 से 99 यानी 33 टाइम्स, तो माइनस ऑफ 2 × 33 यानी -67 - 66, तो नेट आंसर हो गया -133 इज द राइट आंसर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 18 इन द एक्सपांशन ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ 1 + x, 1 - x पावर 10, 1 + x + x² पावर 9। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको इस ढंग से सोचेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, पर अगर आप 1 - x³ का फॉर्मूला यूज करें तो 1 - x होता है 1 - x × 1 + x + x², बिल्कुल ऐसे ही दिया है। बस आप करिए इतना कि ये 1 + x, 1 - x, और इसे लिखिए 1 - x की पावर 9, 1 + समझाने के लिए स्टेप लिखिए, आप डायरेक्टली ये वाली स्टेप लिखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 - x², और ये हो गया 1 - x³ की पावर 9। एंड अब आपको कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 18 बताना है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, दो तरीके से मिल सकता है, एक बार जब 16 मिले यहाँ से और एक बार 18 मिले। 16 मिल नहीं सकता क्योंकि सारे 3 के मल्टीपल हैं, यानी केवल आपको कौन सा लेना, देखिए आप ऐसा लिखते 1 - 9c1 x³, फिर ऐसे चलते जाते, तो जब आपको मिलता 9c6 तो x की पावर 18 आता। अच्छा यहाँ पर इवन नंबर आता है तो प्लस, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो तो मिल गया, तो 9c6 यानी 9c3 9 7 9 8 7 अपॉन 3 2 1, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, तो 84 इज अ राइट आंसर। प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि एक -84 भी दिया है और दिखने में क्वेश्चन लग रहा था, पर अगर आप इसकी एक पावर को इसके साथ लेते और बाकी 9 को इसके साथ, तो ये 1 - x³ का फॉर्मूला बनता, एक स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब ये इंटीग्रल का क्या क्वेश्चन है, 2x³ - 1/x4 + x, इसको आप फैक्टर बना के भी कर सकते थे, बट अगर ध्यान दें आप तो आप इसको एक काम और कर सकते थे, x × x³ + 1, अब ऑप्शन से भी कर सकते थे, और अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखूं तो अपॉन में x³ + 1 और x आ रहा है, अगर इस सब में अगर ध्यान दें तो ये सबसे अप्रोप्रिएट है जिसमें x³ + 1 / x आ रहा है, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते थे x³ + 1 - log x, और इसको अगर मैं एक स्टेप में डिफरेंशिएट करूं, यही ऑप्शन क्यों लिया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है इसका, इसको डिफरेंशिएट करूं तो मिलेगा 3x² अपॉन
एक्स क्यूब प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स। देखिए एलसीएम लेके देखिए क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस वन, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन। तो अब देखिए क्या आ गया, टू एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस वन। यही क्वेश्चन दिया है, मतलब ऑप्शन से भी जाओ तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है। नोट करो क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 12 बाय 13 माइनस साइन इनवर्स 3 बाय 5 इक्वल टू। अब देखिए डायरेक्टली ना देखे, कुछ प्रॉपर्टीज लगी हैं वो देख लेंगे हम। सबसे पहले आप ये देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएं, तो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई यानी 4 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 इंटू 144 यानी 5 बाय 13। बेसिकली ये आ गया साइन इनवर्स 48 माइनस ऑफ 15 बाय 65 मीन्स साइन इनवर्स 33 बाय 65। अब आपके पास साइन इनवर्स 33 बाय 65 नहीं है तो क्या होगा, आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 33 बाय 65, बट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कॉस को, इस वाले कॉस को देखें और साइन में कन्वर्ट करें, तो देखिए ये कितना है 33, ये है 65, तो आप 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर करेंगे तो 56 का स्क्वायर आएगा, राइट यानी ये 56 हो जाएगा। तो आप इसे चाहें तो 5 बाय 2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स 56 बाय 65 भी लिख सकते थे, राइट नोट कर लीजिए।